पिपरिया हत्याकांड के पीड़ित पहुंचे आज एसपी कार्यालय में। कल पिपरिया में हुए हत्याकांड में मारे गए युवक के परिजन आज एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उनका कहना है कि आरोपी गण उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं, जिसके बाद उनका रहना मुश्किल हो रहा है। वहीं अपने ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की। जो रघुवंशी, लाला रघुवंशी, अशोक रघुवंशी, सुनील रघुवंशी, युधिष्ठिर रघुवंशी, अरविंद और शीटू, ये दो नाम छूट गए थे सर। और एक अपने जिला चिकित्सालय में लाला राम रघुवंशी जो कि अभी एडमिट हैं, और सुनील रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अन्य छः आरोपी जो भी हैं वो फरार हैं। फरार क्या है, पूरे गाँव में दहशत बना रखी, पूरे हथियारों के साथ लैस घूम रहे हैं सर। उन्हें गिरफ्तारी की थोड़ी सी आए निवेदन, नहीं तो बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं श्रीमान। और इसमें जो फरार आरोपी है या जो अन्य अब जो बातें बता रहे हैं, उन सभी इन लोगों पर गंभीरता से जांच करेंगे और आपकी जो कार्रवाई है ठोस करेंगे। आप लोगों को धमकी है सर कि मैं तो रात के नहीं रोको तो तुझे जिन गैरेज में जिन्हें धमकी नहीं है मैंने, मैं तुम्हें बयान एक विजय है, अरविंद है, सीतू है, गोलू है और वो अशोक जो धमकी दे रहे हैं, जो लोग जे जा कह रहे हैं कि हम लोग कहने का मतलब गांधी जी में ताकत हुई कि चार आने और मार देंगे। अरे भाई देखिए राजीनामे का दबाव बना रहे हैं क्या? अरे राजीनामा ही तेरे को रुपये ज्यादा हो तो कछु कर सकते हैं। राजीनामा दो खेड़ धाली प्लस करे, राजीनामा कर लो नहीं तो गोली चलेगी। मौके पे पहुंच के और मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया है। साथ ही साथ में जिसको गोली लगी थी उसका देहांत होने के बाद में जिसने गोली मारी है उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में भी ले लिया है। और भी कुछ लोगों के नाम उसमें आए हुए हैं, उसकी तलाश में भी पुलिस है। कुल मिला के 6 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें से 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी आरोपियों के लिए जो है वो पार्टी भेजी गई है। इसमें जो वेपन इस्तेमाल हुआ था वो वेपन भी पुलिस ने रात को लेट नाइट रिकवर कर लिया है, और भी उसमें अगर कोई वेपन इस्तेमाल हुआ है तो उसकी भी जांच करके हम लोग रिकवर करवा रहे हैं। सर पुलिस की तैनाती भी की गई गाँव में? हाँ, कल रात को क्योंकि वो गांव जो है वो कुशवा और रघुवंशी समाज में बंटा हुआ है, तो उसमें पुलिस की तरफ से जो है पुलिस ने 10 लोगों को भिजवाया गया था जो पूरी रात भर वहाँ पर रहे, ताकि कोई भी ऐसी टेंशन की स्थिति उत्पन्न ना हो। और इवन क्रीमेशन के टाइम पे आज सुबह भी उसके लिए अलग से और 10 लोगों का फोर्स हम लोगों ने भिजवाया है।